लव गुरु के साथ हैं यहाँ पर रेडियो सिटी पर। बातें चल रही हैं इश्क मोहब्बत की, रिश्तों की। बातों के अपने सिलसिले के साथ हम दाखिल हो चुके हैं अपने शो के अगले घंटे में। कुछ बात करना चाहते हैं अगर आप भी तो नंबर है 0114171919। फिलहाल वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं 11th ग्रेड में हूँ एंड देयर इज माय क्रश। और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि उसके अंदर मेरे लिए कुछ फीलिंग्स है, बट कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड से प्यार करता है। आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं उसको कैसे इम्प्रेस कर सकती हूँ। ये जिस लड़के की बात आप कर रही हैं, आप लोग सेम क्लास में हो क्या? हाँ जी, हम सेम क्लास में और एक साथ बैठते हैं, या पार्टनर। पर अभी तो क्लासेस चल नहीं रही हैं, अभी तो सब लॉकडाउन में सारे, तो आप लोग बातचीत करते हैं? आप लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड जोन में हैं? बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ये लॉकडाउन को अब हुए लगभग 3-3.5 महीने के आसपास हो गया है। इन 3-3.5 महीनों में आप लोगों ने कितनी बात की, फोन पर या वीडियो कॉल्स के जरिए या जो भी सारी चीजें? व्हाट्सएप पे से स्टार्ट होता है। तो अब मैं कैसे मान लू कि आप दोनों अच्छे दोस्त हैं? ये भी अगर कंसीडर कर लूँ ना कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप समझो कि दोस्ती किससे होती है? दोस्ती लाइक माइंडेड लोगों से होती है। दोस्ती उससे होती है जिसकी कंपनी को आप रिजॉइस करते हो, समझ रहे हो? तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उनको इम्प्रेस करने के बारे में मत सोचो। आप ऑलरेडी उनकी जिंदगी में गुड बुक्स में हो। किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपने तौर तरीके मत बदलो। आप जैसे हो, जो आपकी बातें हैं, एज अ फ्रेंड सब कुछ उस इंसान के सामने है। पर यह है कि मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि कुछ तौर तरीके जरूर आप बदलो अपनी तरफ से। उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये कंफर्म है कि वो लड़का किसी और को डेट कर रहा है या किसी के साथ रिलेशनशिप? जी नहीं, वो किसी को डेट नहीं कर रहा, बट मेरे को लगता है उसका किसी और के ऊपर क्रश। ओके, सो इस सच से आप भाग क्यों रही हैं? और चूंकि आप दोनों बहुत अच्छे जोन में हैं, आप कभी उनसे पूछती क्यों नहीं है कि क्या किसी को डेट कर रहे हो या क्या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या क्या कोई पसंद है? वन साइडेड लव है, पूछने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप दोनों अच्छे दोस्त होते हो तो ऐसी बातें होती हैं। सो डू आस्क हिम, नंबर वन। नंबर टू, अब इंतजार मत करो कि सिर्फ व्हाट्सएप पर टेक्स्ट एक्सचेंज हो। अपनी तरफ से कॉल करना शुरू करो। अगर वो कॉल आंसर नहीं करता, इट इज ओके ड्रॉप हिम अ टेक्स्ट कि जस्ट वांटेड टू से हेलो, सिर्फ हालचाल जानना चाहती थी इसलिए आई कॉल्ड यू, व्हेनेवर यू आर फ्री जस्ट गिव मी अ कॉल बैक। तो थोड़ा बहुत ना इंटरेस्ट इससे भी आपको समझ में आने लग जाता है। अब चूंकि आप लोग फ्रेंड हैं, मुझे तो लग रहा है कि ऑकवर्ड सी साइलेंस है ही क्यों, आप दोनों के बीच में तो वैसी ही बातचीत होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग बेस्ट फ्रेंड वाले उस जोन में दाखिल हो। सबसे पहले एक दूसरे की जिंदगियों के बारे में जानना शुरू करो। और जब आप एक इंसान को एक रीजन देते हो ना, बात करते हो, पढ़ाई और बहुत सारी चीजें हैं अभी आपकी जिंदगी में, तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर भी फोकस्ड रहो, बट एट द सेम टाइम उनसे हेल्दी कॉन्वर्सेशन एक्सचेंज करने की कोशिश करो। उनको अपनी तरफ से छोटी छोटी चीजों में एंगेज करने की कोशिश करो, जैसे स्कूल वगैरह खुलते हैं ना, ठीक है? और बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना, आगे आपको बहुत टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से अभी लेकर आगे बढ़ो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अच्छे तरीके से बातचीत करना और इस बातचीत को अभी चलने दो थोड़ा सा, ठीक है? देन गिव मी अ कॉल एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट फर्दर। ओके, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट डियर एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। बाय, गुड नाइट। बाय।